आज मेरे लिए भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं आप सबको एक ऐसे स्थान के दर्शन कराने जा रहा हूं। ये जो आप देख रहे हैं, ये राज कपूर जो हमारे हिंदी सिनेमा के नायक, निर्देशक, निर्माता, ये राज कपूर जी का फार्म हाउस था और ये राज कपूर जी का बंगलो है। आज हम आपको जो अभी वर्ल्ड पीस सेंटर MIT यूनिवर्सिटी श्री प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी ने इस बंगले को ले लिया और स्पेशली राज कपूर जी बोल के गए थे कि मेरे इस बंगले को, मेरे इस फार्म हाउस को जो 100 एकड़ का है, इसको एक शिक्षा का केंद्र बनाएं। तो आज हम अभी प्रवेश कर रहे हैं राज कपूर का बंगला, जिसपे वो रहते थे यहां आकर, और बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग उन्होंने इसी बंगले में की है। ये सीढ़ियां ऊपर जा रही हैं उनके रूम की ओर, इसको हम बाद में दिखाएंगे, पहले हम आपको अंदर लेके चलते हैं राज कपूर जी के बंगले को। माननीय विश्वनाथ कराड़ जी ने उसी प्रकार से संजो के रखा है। मैं आपको उस कमरे में लेके जा रहा हूं। आप देखेंगे कि राज कपूर जी के जीवन की, ये उनके बाल्यावस्था की फोटोग्राफ है, यहां ये लगी हुई है। उसके बाद पूरे परिवार के साथ उनके यहां फोटोग्राफ्स, कराड़ साहब के साथ पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर की फिल्मों के, मेरा नाम जोकर हो से लेकर, ये राज कपूर के एक युवा अवस्था की पिक्चर आप देखिए, कितने अच्छे ढंग से यहां कराड़ साहब ने राज कपूर मेमोरियल पूरा बना दिया है उन्हीं के घर को। ये कराड़ साहब की बड़ी बहन, जिन्होंने उनकी मां का भी रोल अदा किया और पूरा कराड़ साहब ने उनको भी पूरा सम्मान दिया। ये यहां पूरे राज कपूर और उनके परिवार के, उनकी बेटी रीमा, उनके दोनों पुत्र आप यहां देख सकते हैं, रणधीर कपूर, ऋषि कपूर और राजीव कपूर, और उनकी बेटी, पूरा परिवार यहां है। राज कपूर की नायिकाएं या पहचानिए, राज कपूर की एक नायिका मेरा नाम जोकर का दृश्य, कृष्णा कपूर जी राज कपूर की पत्नी, और ये देखिए राज कपूर की नायिका नरगिस, और वो शायद मेरे हिसाब से नूतन है। ये पूरा एक अद्भुत स्थान यहां कराड़ जी ने इसको पूरा बना दिया है। ये देखिए पृथ्वी राज कपूर और उनकी पत्नी, राज कपूर के माता पिता, इस पूरे स्थान को कितना अद्भुत और सुंदर बनाया है। अब मैं आपको एक बहुत ही रोचक उस कमरे में लेके चल रहा हूं जहां बॉबी का वो सबसे फेमस गाना हम तुम इस कमरे में बंद हो। जी हां, ये वो कमरा है जिसमें इस कमरे वो गाना पिक्चराइज किया गया था। कुछ ही परिवर्तन किया है, लेकिन ये आप छत जो देख रहे हैं, पिलर जो देख रहे हैं, विंडोज जो देख रहे हैं यहां से, ये सारी उसी समय की हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ये वो कमरा है जिसमें हम तुम इस कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए यहां पिक्चराइज की गई थी। अभी ये डाइनिंग टेबल है इस समय, और ये यहां से मैं आपको बाहर का दृश्य भी दिखाता हूं। ये आपको याद होगा उस फिल्म में, ये सारी खिड़कियां, ये दरवाजे उस गाने में जो पिक्चराइज किए गए थे। और अब हम बाहर की ओर आ रहे हैं। ये उनका पूरा ये फार्म हाउस है,
यहाँ बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग और यहाँ राज कपूर की, ये जो स्थान है यहाँ राज कपूर जी अपने महफिल जमाते थे, उनके गायक, उनके लिरिक्स राइटर, डायरेक्टर, एक्टर सब बैठ के यहाँ पर अपना गीत गाना या उनके फिल्म के दृश्यों को आपस में डिस्कस करना, ये सब वो पेड़ हैं, ये वो रास्ते हैं जहाँ अनेक फिल्मों की शूटिंग हुई, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। राजपथ बोलते थे तो बहुत सारे पिक्चर की शूटिंग इस शहर के लिए। इसको राजपथ बोलते थे राज कपूर जी, और बहुत फिल्मों की शूटिंग इस सड़क पे हुई है। ये मैं आपको उस कमरे के बाहर का दृश्य दिखा रहा हूं, इसी कमरे के अंदर बॉबी का वो गाना शूट हुआ था, बंगले का ये वो हिस्सा है। और इसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा जो राज कपूर जी का पर्सनल रूम है, वहां पे आपको लेके चलते हैं यहां से, जहां वो सोते थे। और बहुत ही रोचक बात यह है कि वो किस प्रकार से सोते थे, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये आपने बहुत फिल्मों में ये दृश्य देखा होगा, राज कपूर आर के फिल्म की जब शूटिंग शुरू होती थी, पृथ्वीराज कपूर ये शिवलिंग पर पूजा कर रहे हैं, तो ये दृश्य देखते थे। वो चित्र भी यहां विश्वनाथ कराड़ जी ने यहां लगाया हुआ है। और दिलीप पाटिल जी मेरे साथ हैं, जो पिछले 20 वर्षों से माननीय कराड़ जी के साथ हैं, और ये इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हमें देंगे। ये आपने मुझे जो बताया सामने, कृष्णा कपूर जी 1 रुपए का नोट कराड़ जी को दे रही है, इसके बारे में बताइए। इसके बारे में ये है कि जो कपूर फैमिली में जो भी बहू की शादी हो, शादी करके बहू को लेके आते हैं, तो उस टाइम बहू को कोई चीजें देते हैं, कोई पैसा हो, गहना हो, जी जी है, तो उस उन्होंने कृष्णा कपूर जी के ससुर जी ने, यानी कि पृथ्वीराज कपूर जी ने उनको कुछ रुपए नोट के तरफ से नोटों में दिए थे, कोई गहने दिए होंगे, लेकिन उसमें से एक नोट उन्होंने कराड़ सर को दी कि भाई साहब ये मुझे जैसे मेरे परिवार ने दिया है वैसे मैं आपके परिवार से आपको एक नोट दे रही हूं, और वो नोट की कीमत और ये पूरे जगह की कीमत एक है, इसलिए हमारे आप जुड़ गए हैं कपूर फैमिली से, क्या बात है, इसलिए हम आपको एक हमारी मन की बात है कि हम आपके फैमिली से, हमारे कंपनी से जुड़े हैं, इसलिए 1 रुपए की नोट मैं दे रहे हूं। ये आप चित्र में देख सकते हैं, इस चित्र में 1 रुपए का नोट कराड़ जी के हाथ में है और कृष्णा कपूर जी ने उन्हें यह दिया, जो उनको उनके ससुर ने दिया था किसी समय जब वो बहू बन के आई थी। यहाँ कराड़ जी का मुंह मीठा करा रही हैं, सेल परचेज डीड हो गया उस टाइम, जिस समय इस फार्म हाउस को, इस घर को लिया गया, ये रणधीर कपूर का मुंह मीठा किया जा रहा है। यहाँ दोनों भाई ऋषि कपूर, कृष्णा कपूर, रणधीर कपूर और कृष्णा कपूर सभी कराड़ साहब के साथ हैं। जब ये हैंडओवर किया गया था, ये उस समय का दृश्य है। एक सेकंड, अब बताएं। और भी आरके मेमोरियल करके वास्तु का प्रकल्प कराड़ सर ने पूरा किया है, हाँ, उसे भी ये बंगले के पीछे जो समाधि थी उसको रिनोवेट किया गया, उसको एक डोम के शेप में बना दिया गया, और वहां भी कृष्णा कपूर, राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर और रामशरणी कपूर, यानी कि राज कपूर जी के माता पिता, उनकी पत्नी और खुद का, उनकी समाधि और स्टैचू के साथ यहाँ बनी हुई है, यहाँ बनी हुई है ये बंगले के पीछे। इसके बैक में जैसे इन्होंने अभी बहुत ही कमाल की चीज बताई कि उनकी समाधियां आज भी सुरक्षित कराड़ जी ने रखी हुई है, और पूरा एक मतलब उनको ये श्रद्धांजलि है, पूरा उस की याद में, राज कपूर परिवार की याद में उन्होंने किस तरह से संजो के रखा है। सचमुच में नमन करता हूं श्री विश्वनाथ कराड़ जी को। चलिए एक बार राज कपूर जी का कमरा दिखा दीजिए हमें, हम चलते हूं, पहले चलते रहो। ये सीढ़ियां हैं, इनको आप ध्यान से देखिए, राज कपूर इन सीढ़ियों में हजारों बार नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आए होंगे। हम उनके पर्सनल रूम की तरफ जा रहे हैं। जब भी वो यहां होते थे ये उनका रूम था, और हम उनका कमरा खोलने जा रहे हैं।
ये लाइट ऑन होते ही एक आप दृश्य देखेंगे, मैं भी चौंक गया था उसे देखकर। ये देखिए, इस प्रकार राज कपूर सोते थे। वो किसी डबल बेड पे नहीं सोते थे, वो अपने कमरे में एक पतली दरी नीचे बिछा के वाइट और एक पिलो के साथ, इस प्रकार से ये उनका रूम था जिसमें वो सोते थे। कोई व्यक्ति ऐसे ही महान नहीं होता, उसके पीछे उनकी बहुत बड़ी तपस्या होती है। आप कितना साधारण कमरा देख रहे हैं, राज कपूर जी की तस्वीर लगाई हुई है और ये राज कपूर जी यहाँ इस प्रकार से विश्राम करते थे। ये विश्वनाथ करार जी ने उनकी याद में बनवाया। उसी टाइम की जब यहाँ राज कपूर जी सोते थे, उसी टाइम की ये बेल और वायर हमने अभी भी ऐसी की ऐसी वैसी रखी है जी। और करार सर ने आज ये बंगलों में खाली कलर किया है, लेकिन उसमें से कोई चेंज किया नहीं है, वैसे की वैसे रखा है, जो भी खिला हो या डोर हो या जो भी कलर हो। और ये बेल सोने के बाद ऐसे सामने रखते थे, किसी को अगर कॉल करना है तो ये बेल को दबा के वो कॉल कर देते थे। आज भी वैसे की वैसी रखी है। क्या बात है जी, ये वही बेल है राज कपूर जी सोते हुए अपने पास रखते थे किसी को भी बुलाने के लिए। और यहाँ पर्दे भी होते होंगे या पर्दे भी क्या है? ये पुराने ऐसे कैसे है? अच्छा, या एसी था, ये एसी के लिए आउट पॉइंट, ये प्लग पॉइंट है, ये एसी निकाल दिया उसी टाइम, और जब हैंडओवर टेकिंग ओवर हो गया तो यहाँ उनका एसी लगा होता था और बाकी कुछ भी कमरे में उन्होंने इस तरह का नहीं रखा था। यहाँ ये केवल विश्राम करने के लिए, सोने के लिए इस कमरे में आते थे। तो मैं निर्मल रतनलाल वैद्य, एक बहुत अद्भुत जगह जहां हमारी इंडस्ट्री के श्री राज कपूर जी उस टाइम पे ये जो वॉशरूम है उनके, ये उस समय का उनका वॉशरूम है और इसको उसके बाद किसी ने प्रयोग भी नहीं किया। नहीं, ऐसे के ऐसे रखे। ये उसी प्रकार से इस वॉशरूम को यहां उनके गीजर से लेकर ये यहां अभी भी उसी तरह से सुरक्षित है। इसको कोई भी इस्तेमाल नहीं करता है, जैसा पाटिल जी ने हमें बताया। उसकी यादें ऐसी की ऐसी रखने के लिए खुद करार से इंटरेस्टेड है। तो मैं निर्मल रतनलाल वैद्य, राज कपूर के बंगले पुणे में, ये कौन सा स्थान कहलाता है? ये लोनी कालभोर नियर टू पुणे, पुणे के पास, पुणे के पास लोनी कालभोर, लोनी कालभोर, कालभोर जगह से निर्मल रतनलाल वैद्य, ये लगभग 100 एकड़ का फार्म हाउस था उनका, जहां अभी विश्वविद्यालय चल रहा है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहे, इस प्रकार के अद्भुत स्थानों पर मैं आपको लेके चलूंगा और हम उन सब महान हस्तियों को याद करें, उनको श्रद्धांजलि दें, यही हमारा उद्देश्य है। जय हिंद। आपको एक बहुत ही रोचक जानकारी मैं बताने जा रहा हूं दिलीप पाटिल जी द्वारा। पाटिल जी, ये बंगला राज कपूर ने कब बनवाया, कैसे, इसका इतिहास क्या, इसके बारे में कुछ बताइए। इसका इतिहास यह है, ये 1930 के आसपास ये बंगला एक पारसी लेडी ने बनाया है, एक महिला थी, उन्होंने ये बंगला बनाया है और उनके साथ 100 एकड़ लैंड थी जी। तो उसके बाद राजस्थान इडर डिस्ट्रिक्ट से, राजस्थान स्टेट से, हिम्मत स्टेट करके नाम से कोई राजा थे उस टाइम बिफोर द इंडिपेंडेंस। तो उनको कुछ कारण यहाँ वो स्टेट छोड़ना पड़ा, तो उन्होंने आके और लेडी से ये बंगला और 100 एकड़ लैंड खरीद ली। उसके बाद वो राजा, वो तो राजा थे, राजा को कोई तो छंद होगा ही, तो उनका छंद था रेस कोर्स जाके रेस खेलना है। तो रेस जब खेलते थे तो उस टाइम राज कपूर जी बंबई से वहां रेस खेलने के लिए आते थे। वहां रेस कोर्स पे राज कपूर जी और ये हिम्मत स्टेट के राजा, उनकी मुलाकात हो गई और पहचान भी हो गई, फिर काफी यहाँ आने जाने लगे। जब ही उनका 20 साल पूरा हो गया यहाँ महाराष्ट्र में आने का, तो वापिस वो राजस्थान जाना चाहते थे। तो जाते टाइम राज कपूर जी को बोले कि राज साहब, अभी तो मुझे जाना है वापिस राजस्थान, तो क्यों ना आप ये जमीन खरीदे।
ना ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा तो पिक्चर सिनेमा बनाने का बिजनेस है ही, तो मैं इसके लिए स्टूडियो जैसा मैं यूज करूंगा, कोई बात नहीं। तो उस टाइम उन्होंने ये वो राजा से ये जमीन खरीदी। कौन से सन में? मेरे ख्याल से वो 1950-48 के टाइम होगा, आजादी के बाद। आजादी के बाद, हाँ। तो उसके बाद फिर ये जो 100 एकड़ लैंड और ये बंगला उन्होंने लिया, उसके बाद फिर उन्होंने बॉबी पिक्चर, मेरा नाम जोकर, प्रेम ग्रंथ, प्रेम रोग, सत्यम शिवम सुंदरम और काला पत्थर की शूटिंग इस कैंपस में हुई, ऑलरेडी हो चुकी है। तो वो होने के बाद ये शूटिंग शूटिंग के दौरान 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया राज कपूर साहब को, और वो दिल्ली जब वो स्वीकार करने के लगे तो उसी टाइम उनको हार्ट अटैक की वजह से उनका मृत्यु हो गई। फिर वहां से लेकर 2002 तक यानी कि 14 साल ये पूरा कैंपस यानी कि 100 एकड़ लैंड और ये बंगला ऐसा ही पड़ा रहा। खाली यहाँ 2-4 वॉचमैन, एक बंगला अटेंडेंट होगा, एक हाउसकीपिंग वाला होगा, दो कोई मैनेजर होगा, उन्होंने मेंटेन किया। फिर 2002 के पहले एक साल ये उनके बच्चों ने यानी कि रणधीर कपूर हो, ऋषि कपूर हो, राजू कपूर और कृष्णा कपूर, इन्होंने ये प्रॉपर्टी बेचने का थोड़ा विचार किया। तो उस टाइम काफी लोगों ने अपने कपूर फैमिली को जाके मिले, कपूर जी कपूर फैमिली को, अगर हमें बेचने के तो हम इनका देंगे इतना देंगे, हमें बेचेंगे तो इतना देंगे, ऐसी बहुत सारी ऑफर्स कृष्णा कपूर के सामने आ गए। लेकिन एक बार यहाँ के जो हड़के अप्पा करके ये प्रॉपर नेटिव लोनी कानभोर से कराड़ सर के पास गए और कराड़ सर ने बोला, कराड़ सर को जाके मिले, कराड़ सर अगर आप तो आपको तो संस्था चलानी है, आपको तो जमीन की जरूरत होगी, आप क्यों ना खरीद लोनी में जगह क्यों नहीं खरीद रहे? बोले लोनी में जगह किसकी जगह? बोले राज कपूर साहब की जो राजबाग है वो बेच रहे हैं। तो कराड़ सर ने थोड़े मुश्किल से बोला, हम राज कपूर की इस्टेट ले सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, आप कुछ भी मत कहिए, माफ करो, मैं उनकी इस्टेट लेने के लिए बहुत बड़े लोग हैं, हम नहीं ले सकते, हमारी छोटी संस्था है। तो जो हड़के करके पर्सन थे हड़के अप्पा, उन्होंने सर आप हाँ तो बोलिए और आपको जो सामाजिक काम कर रहे हैं उसके बारे में मुझे थोड़ा बुक्स है लिटरेचर दे दीजिए, मैं कृष्णा कपूर जी को वो सुपुर्द करता हूँ और उनसे बात करता हूँ। तो एक साल उसमें ये पीरियड बोलने में एक साल गया, एक साल में कृष्णा कपूर के पास ये सब लिटरेचर, आलंदी का घाट, देहू का कमान, देहू का घाट, ये सब जो सार्वजनिक काम के जो किए हुए सर ने वो कृष्णा कपूर के पास गए। तो कृष्णा कपूर ने सीधा वो पढ़ने के बाद देखने के बाद वो हड़के अप्पा को मैसेज दिया कि ये कौन कराड़ जी है जो आलंदी के घाट बना रहे हैं, देहू के घाट बना रहे हैं, देहू के मंदिर की कमान बना रहे हैं, इन्हें तुरंत हमारे साथ बात करने के लिए बोलिए। तो आगे का हड़के अप्पा कराड़ सर के पास आ गए, उन्होंने ऐसा ऐसा मैसेज दिया। तो फिर कराड़ सर जब कृष्णा कपूर के चेंबूर वाले घर में गए, बंगलों में गए, तो उन्होंने उनका एकदम अपने भाई जैसा सम्मान किया और उन्होंने एक ही बोला कि राज साहब का सपना था, राज साहब का वील था कि अगर ये जमीन हमारे फैमिली को बेचने के मन में आ जाए तो किसी शैक्षणिक संस्था को ये बेची दी जाए या दीजिए। लेकिन उस टाइम ये सर ने जब सुना और कृष्णा कपूर ने ही बोला कि पहले जब तक कराड़ जी नहीं बोलते तब तक दूसरे कस्टमर को हाँ बोलना नहीं है, अपने बच्चों को बोला। तो तीनों बच्चों ने सोच लिया कि अगर माँ की इच्छा है कराड़ सर को ही देना है तो क्यों ना फिर कराड़ सर को ही अब ये जमीन बेचे। तो फिर सब फैमिली ने ये कराड़ सर को ये जमीन हैंड ओवर कर दी। फिर कराड़ सर ने भी कराड़ सर ने लेकिन लेने के पहले एक बोला, अगर ये जमीन बाकी लोगों ने क्या बोला मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तीन चीजें बोल रहा हूँ आपको, अगर ये जमीन हमारी संस्था, मेरे संस्था तो मेरी है लेकिन जमीन मेरी खुद के नाम पे नहीं होने वाली, ये संस्था के नाम से, उसमें एक एकड़ हो या एक स्क्वायर फुट हो मेरे पर्सनल फैमिली के नाम पे मैं नहीं करूंगा। एक नंबर।
नंबर दो, राजबाग का नाम राजबाग ही रहेगा क्योंकि राज कपूर की राजबाग है। और नंबर तीन, राजबाग में जो राज कपूर की समाधि है वो समाधि का मैं जीर्णोद्धार करूंगा, उसको डिमोलिश या उसको बंद नहीं करूंगा मैं। ये तीन चीजों पे उन्होंने ये जमीन खरीदने का विचार कर दिया और ये तीनों ही बातें कपूर फैमिली को इतनी पसंद आ गई कि करार साहब ये जमीन आपको दे दी। तो सर बोले दे दी, लेकिन कितने में दे दी वो आप चिंता मत करो, हम कपूर की औलाद है, हमने एक बार जबा दी तो दी। मेरे अंग पे सहारे आ रहे हैं, बिल्कुल जी, रोंगटे खड़े हो रहे हैं आप, खड़े हो रहे हैं। एक हम कपूर की औलाद है, हम एक बार शब्द देते हैं तो उसको पूरा ही करते हैं, आप कहां जाने वाले हैं। तो ये ऐसा ये थोड़ी सी हिस्ट्री है जो कराड़ सर जब किसी को बोलते हैं तो हम भी बाद में बाजू में बैठते हैं तो सुनते हैं। ये मैंने आपके बहुत बाजी, क्या बात है, इतनी रोचक जानकारी हमें दिलीप जी ने बताई। और सच में कोई व्यक्ति महान होता है तो उसके पीछे ऐसे बहुत से कारण होते हैं, और वो एक ऐसा खानदान हमारी फिल्म इंडस्ट्री में 5 पीढ़ियां जहां कलाकार के रूप में, और मैं कराड़ साहब को भी हृदय से मैं उनको भी नमन करता हूं जिन्होंने इस भाव से इस जगह को लिया। और आप देख ही रहे हैं कि जैसे मैंने दिखाया उन्होंने पूरे घर को एक मतलब म्यूजियम की तरह से उनके चित्रों को ऐसे संजो के रखा है कि लोग अपने परिवार के बुजुर्गों को भी उस तरह से नहीं रखते जिस प्रकार से कराड़ साहब ने रखा है। मैं निर्मल रतनलाल वैद इसी प्रकार से आपको जितने भी अद्भुत और ऐसे व्यक्तित्व हैं उन द्वारा किए गए कार्य हैं मैं उनको आपके सामने लाऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिए और निर्मल रतनलाल वैद चैनल को देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।